कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर गुरुवार को हिंदू वाहिनी और गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच के सदस्यों ने एसएसपी शलभ माथुर से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने मांग संबंधित ज्ञापन एसएसपी को सौंपा। वहीं एसएसपी शलभ माथुर ने वाहिनी के सदस्यों को इस मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आपको बताते चले कि महानगर के हजारीपुर मोहल्ले के एक अपार्टमेंट में किराए पर रहने वाले शराफा व्यापारी की पत्नी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतिका इस अपार्टमेंट में अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी। मंगलवार को करीब 11 बजे अनुपम कुशवाहा ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी पत्नी नीलम को देखा और नीलम के घर वालों को फोन करके घटना की जानकारी दी। परिवार वाले आनंद फानन में नीलम को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका के भाई ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में तहरीर दी है। 302 के अंदर अभी पहले हम लोग ये एस्टेब्लिश कर लें कि मर्डर है कि सुसाइड है। आकाश अलग ठीक है, उसमें पीएम रिपोर्ट भी आ चुका है। पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग आया, एक्सपेंसी आया। अच्छा ठीक है, हैंगिंग जो है किसी को मार के भी टांगा जा सकता है और कोई को सुसाइड ही कर सकता है, दो तरीके से। जी सबसे पहले तो हम ये एस्टेब्लिश कर लें कि 306 है कि 306 है तो 306 के हिसाब से कार्रवाई होगी, 302 है तो 302 के हिसाब से। 302 सर रजिस्टर्ड हो चुका है, नेशनल मृत्यु नहीं, इसलिए अननेचुरल डेथ के तहत आपकी एफआईआर कायम होगी। अब सर 302 होगा तो 302 के अंदर दोषी दिए जाएंगे और 306 का तो 306 के अंदर। मर्डर के केस के अंदर अगर आदमी ने मर्डर किया है तो उसकी लोकेशन वहाँ होनी चाहिए और उसके बॉडी पे इस तरह की छोटे प्रमाणित मार के टांगने की पुष्टि होनी चाहिए। 306 के अंदर जरूरी नहीं है कि आदमी वहाँ पर मौजूद हो, अगर उसकी प्रताड़ना से भी किसी की मृत्यु हुई है तब भी वो 306 सुसाइड के अंदर जाए। इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने में पैसे देने का आरोप जो आप लगा रहे हैं ये प्रकरण मेरी जानकारी में है, ठीक है, और आप लोग भी मिले हैं, वो लोग भी मिले हैं, हमने ये बोला है कि जो तथ्य होंगे तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई यथाशीघ्र की जाएगी, ठीक है। आपने कहा 302 की तहरीर थी, 302 कायम होगी, हमने आपको ये तो बोला ही, आपने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, ठीक है। योजना करा लीजिए उसमें जो भी बिल्कुल कराएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। आपने क्या सुधार लिखवाई है? ठीक है, अब मेडिकल साइंस के हिसाब से 302 है, मौके पर क्या छोटे हैं क्या नहीं है सब लिखवा लीजिए, जो सब सही चीज है बिल्कुल सही बताइए। हमारे जो बदमाश था हमारे घर का सलाता नहीं पूरा मामला ये है कि उसकी शादी अनुपम कुशवाहा से हुई थी। किसकी शादी? नीलम कुशवाहा की, लेकिन मैका उसका कुशवाहा भट्ट का माया बाजार में है और वो शादी होने से 10 साल हो गया और ये 2 साल से किसी दूसरे औरत की चंगुल में फंसा हुआ था, बार बार उसको मारता था, पीटता था, सब कुछ करता, कई बार सूचना इसको हम लोग पुलिस को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में उसको एक बार 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 धमकी देता था कि हम मार डालेंगे, उसके बाद ही बीवी रखेंगे और दूसरी बीवी रखेंगे, बार बार ये कहता था। उसके बाद जिस औरत का हम लोग ने नाम दिया उसको कोतवाल साहब ने डायरेक्ट आए नाम काट कटवा दो नहीं तो हम तुम लोग को भी उसमें औरत से फैयार करा के फंसा देंगे, फंसा देंगे। उसके बाद इन्होंने क्या हुआ, उसकी हत्या हो गई, डॉक्टर ये बोल रहा है कि फांसी लगाई है और डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया है उसमें फांसी नहीं है, गले को खींच के दबाया गया, मुलजिम पकड़ाया है। कोतवाल साहब कह रहा है कि हम जब पूरा साबुत जुटा लेंगे तब गिरफ्तार करके जेल में पकड़ा हुआ मुलजिम को उन्होंने छोड़ दिया, दो दिन बैठाने के बाद छोड़। आज क्या मांग की है? आज हम लोग मांग किए सर जब धारा लिखा गया तो कोर्ट में फाइनल होगा, जब मुलजिम पकड़ा गया तब उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई सब कुछ, फिर दोबारा पकड़ने की क्या बात है, वो तो कोर्ट में चला करते रहना कीजिए, जेल में जाएगा। लेकिन वो कहने विवेचना करने बाद रिपोर्ट लगा के तब सारी बात हम करेंगे, सारी सबूत जब मिल जाएगी तो क्या करेंगे। अब कह रहे हैं कि सीओ साहब बोले, सीओ साहब बोलने के बाद हम लोग को छोड़ा गया है। क्या मांग किए हैं? मांग हम किए अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग इसका आंदोलन करेंगे और यहाँ से लखनऊ तक आंदोलन करेंगे, उसके सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए।